हेलो एवरीवन, अगर आप कोर्स कर रहे हैं कोर्सेरा से HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रॉम वेब डेवलपर फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, सो उसके वीक फोर में एक पीयर ग्रेडेड असाइनमेंट है, कोडिंग असाइनमेंट है जावास्क्रिप्ट की। सो अगर उस टास्क को आपको परफॉर्म करने में इशू आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस टास्क को कैसे डन करना है वो बताऊँगा। सो पहले हम टास्क के डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या हमारी डिस्क्रिप्शन है। सो हमें एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है जिसके अंदर हमें एक एरे डिक्लेयर करना है। उस एरे के अंदर हमारे एलिमेंट्स जो कि उसकी वैल्यू होंगे, मल्टीपल वैल्यूज जो हम एरे के अंदर डालते हैं वो हमारे नेम होंगे, मल्टीपल नेम्स होंगे। सो हमें नेम असाइन करना है, देन हमें एक ऐसा लॉजिक लिखना है। अगर हमारे नेम, सपोज मेरा नाम कोई भी नेम है एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर वो स्टार्ट होता है स्मॉल जे से या कैपिटल जे से, अगर उसका फर्स्ट करेक्टर स्मॉल जे है या कैपिटल जे है, तो वो प्रिंट कर दे गुड बॉय गुड बाय, देन जे नेम जो नेम होगा जे से स्टार्ट होने वाला। अदरवाइज हर कंडीशन पे वो प्रिंट 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 करे हेलो सम नेम, कोई अनदर नेम जो कि जे से स्टार्ट नहीं होता। सो हमें ये टास्क परफॉर्म करना है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। सो वो जस्ट नीड टू मेक अ फोल्डर, न्यू फोल्डर। सो मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया राइट क्लिक करके। देन हमें यहाँ पर दो फाइलें बनानी है। नंबर वन index.html, so we need to rename it index.html. so मेरी index.html क्रिएट हो गई है। देन मुझे एक फाइल बनानी है script.js। बेसिकली ये मेरी html फाइल है और उसके इस script.js के अंदर मैं javascript का कोड लिखूंगा। सो इसको करने के लिए आप अपने index.html को अपने सबलाइन में ओपन कीजिए, राइट क्लिक कर कीजिए राइट क्लिक, देन ओपन विद सबलाइन। देन ये मेरी index.html टाइप हो गई है, बेसिक कोड index.html का आ गया है मेरे पास। देन मुझे अब क्या करना है, मुझे इस script.js को लिंक करना है। सो script.js को लिंक करने के लिए मुझे टैग यूज करना होगा, स्क्रिप्ट टैग का ओपनिंग देन स्लैश लगाते ही क्लोजिंग टैग script.js हो गया। देन मुझे इस एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए मुझे इसका एक एट्रीब्यूट करना होगा, देख सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है सोर्स। तो टाइप कीजिए सोर्स, देन फाइल का नाम, फाइल का नाम स्क्रिप्ट, देन उसकी एक्सटेंशन क्या है, वो किस टाइप की फाइल है, .js, script.js। सो ये एडअप हो गया है। सो मेरी फाइल, अब मुझे इस फाइल को अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है। सो ये मेरी script.js फाइल ज्वाइन हो गई है। सो अब मेरे को script.js में एक टास्क को डन करना है, इसके अंदर लॉजिक लिखना है टास्क का कैसे है। सो सबसे पहले हम एरे डिक्लेयर करेंगे। सो एरे डिक्लेयर का सिंटेक्स क्या है, वेर, वेर स्टैंड फॉर वेरिएबल, देन हमें एरे का नेम देना होगा, आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, मैं इस केस में नेम्स यूज कर रहा हूँ, ये नेम्स कंटेन करेगा, तो इसलिए इसका नाम मैंने नेम रख दिया एरे का। देन न्यू ऑपरेटर ताकि हम इसको डायनेमिकली मेमोरी असाइन कर सकें, देन कैपिटल ए देन एरे फंक्शन। सो ये मेरा एरे डिक्लेयर हो गया। सो अब मुझे इस एरे के अंदर वैल्यूज यानी एलिमेंट्स को इंसर्ट करना होगा। सो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए मुझे इसके अंदर टोटल बेसिकली 8 एलिमेंट आई गेस इंसर्ट करने हैं। सो पहला एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप कीजिए एरे का नेम, नेम्स, देन ब्रैकेट, देन कौन सी पोजिशन है, सपोज ये मेरी 0 पोजिशन है या 1 पोजिशन है, तो मेरे को वो एंटर करना है। सो मैं टाइप करता हूँ फटाफट से 0, देन क्या वैल्यू असाइन करनी है, हमें नाम असाइन करना है। तो नाम बेसिकली किस टाइप का डेटा टाइप होता है, वो होता है स्ट्रिंग। तो पहला नाम मेरा होगा सपोज याकोब, ये इंस्ट्रक्शन में मैंशनड है क्या नाम आपने कौन सी नंबर पर असाइन करने हैं। सो मैं फटाफट से इसमें 8 रिकॉर्ड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और उनकी पोजिशन चाहिए मैंने पहले नंबर पे, देन दूसरे नंबर पे एलिमेंट क्या वैल्यू होगी, देन थर्ड नंबर, देन फोर्थ एंड सो ऑन, हमें ऐसे साइन करनी होगी। सो टोटल 8 वैल्यूज हैं, मैं फटाफट से वैल्यू को एडिट कर लेता हूँ।
सेवेंथ वैल्यू, देन एट्थ वैल्यू, देन अब मुझे नेम्स को डिफरेंट करना है. सो पहला मेरा नेम याकूब है जिसका फर्स्ट लेटर वाई है. देन मुझे एक जे कैपिटल एंटर करना है, कैपिटल जे ओ एच एन, जॉन. देन क्या टाइप करना है, जेन, जे ई एन जेन. देन जेसन स्मॉल में डालेंगे जेसन को. देन एंटर करेंगे पॉल. देन फ्रैंक. देन लैरी. देन पोला. देन नोरा. देन लास्ट नेम हमारा होगा जिम. सो मैंने मेरे नेम असाइन कर दिए हैं एरे में. सो अब हमें इनको प्रिंट करके चेक करना है कि हमारी क्या वैल्यू असाइन हो रही है. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का. हम फॉर लूप, देन एरे का नेम. इसका सिंटैक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सिंटैक्स कैसे है. सो ये क्या कहता है, मैंने 10 वैल्यू असाइन करी है. पहला नेम मेरा है याकूब, देन जॉन, देन जेन, देन जेसन, देन पॉल, फ्रैंक, लैरी, पोला, लोरा एंड जिम. सो अब मुझे चेक करना है क्या ये मेरी वैल्यूज 8 बार प्रिंट होंगी. तो मैं इन वैल्यूज़ को एक बाय एक करके प्रिंट करूँगा. सो हम एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करते हैं. हम 0 से 0 वैल्यू से लेके हम जो 9th वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे. सो उसके लिए हम करेंगे फोर वेरिएबल का यूज़ करते हैं. देन आई की वैल्यू जो होगी वो लेस रहेगी नेम्स डॉट लेंथ. नेम्स क्या है, हमारा एरे का नेम है. और लेंथ फंक्शन क्या करेगा, हम इसे एरे की लेंथ दे देगा जो इसकी टोटल लेंथ 10 है. तो ये लूप 0 से 10 तक चलेगा और ये ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू से इंक्रीमेंट होता रहेगा. पहले वैल्यू 0 वैल्यू प्रिंट कर देगा, देन फर्स्ट वैल्यू, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन. सो अगर आपको इस कोड की वैल्यू को चेक करना है तो आप इसको सेव कीजिए. देन अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को राइट क्लिक करके ओपन कीजिए. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई आउटपुट नहीं है. बट आपको क्या करना है, आपको करना है राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है. देन यहाँ पर आपको एक कंसोल ऑप्शन दिख रहा है. कंसोल ऑप्शन पे देखिए क्या मेरी सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है. पहला याकूब है, दूसरा जॉन है, टोटल मेरी 10 वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं एक वन बाय वन करके. सो मेरा हाफ काम तो डन हो गया है. अब मेन टास्क पे आते हैं. मेन टास्क कहता है जिस वर्ड का कैपिटल, पहला स्टार्टिंग वर्ड जो है कैपिटल जे या स्मॉल जैसे स्टार्ट हो तो उसका प्रिंट कर दे, गुड बाय जॉन, गुड बाय जैसे. सो अभी तो मेरे सारे नेम प्रिंट हो रहे हैं. सो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना होगा कि उस लॉजिक बन जाए हमारा कि पहला कैरेक्टर के लिए. तो हम क्या करेंगे, हम इफ एल्स का यूज करेंगे. हम इफ एल्स का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. हम लिखेंगे इफ जो हमारा एरे का पहला एलिमेंट है, अगर वो कैपिटल जे हो या फिर और का मतलब है या तो ये हो या ये, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो लूप को रन कर देगा. इस इफ को रन कर देगा, इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होगा उसको रन कर देगा. यहां पर स्मॉल जे दे दीजिए. बट ये तो सिर्फ हमारे उसको क्या कहते हैं हमारे उसको क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर का, हमें तो पहला कैरेक्टर चाहिए. बट ये जो नेम आई है ये तो पूरा वैल्यू देगा. तो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना होगा कि ये हमें पहला कैरेक्टर दे. सपोज याकूब का मुझे पहली चीज़ दे, वाई दे. तो हम इसके लिए एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जिसका नाम होता है कैर एट. तो हम लगाएंगे डॉट, देन लिखेंगे कैर, देन लिखेंगे एट, और देन डबल कोट्स. देन सिमिलरली मैं दूसरे के लिए भी करूंगा.
मेरा ये लॉजिक बन गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा पहला लेटर जे से शुरू होता है और स्मॉल जे कैपिटल जे, तो मुझे कंसोल में प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, लॉग करना है मुझे नेम्स, उस नेम को आई। सो यहाँ पर मैंने एन लिख रखा है, बट आप इसको चेंज करके नेम्स कर लीजिए, क्योंकि ये एरे का नाम है। एरे के एलिमेंट्स से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, कंडीशंस चेक कर रहे हैं। और इससे पहले मेरे को एक चीज़ और प्रिंट करनी है, गुड बाय। सो मैं जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखिए गुड बाय। देन स्पेस, देन प्लस। प्लस क्या करेगा, प्लस कंकैटिनेट कर देगा। अगर मैं आपको अभी इसका आउटपुट दिखाऊं, सो एरर दे रहा है नेम्स आई डॉट कैरेट इज नॉट डिफाइंड। ओके सो वी विल चेक इट, क्या इशू है। सो हाँ, सो अब हमने कैरेट तो लिख दिया, पर हमें कैरेट का मतलब होता है किस इंडेक्स से। तो हमें पहला, हमें जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू का क्या मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि ये मेरा कोड ना चले। सो अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, इस कंसोल को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो मैं आपको ऊपर मैं कंसोल को भी दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ नेम्स देन आई या नेम्स डॉट ज़ीरो कर देता हूँ, अगर मैं नेम्स डॉट ज़ीरो करता हूँ, तो आप देखिए मेरे कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, याकूब प्रिंट हो रहा है। यानी मेरा एरे का पहला एलिमेंट प्रिंट हो रहा है याकूब, बट मुझे याकूब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए याकूब का पहला अक्षर, यानी दैट इज वाई, फर्स्ट करेक्टर। सो मैं उसके लिए यूज करूँ कैर एट। कैर एट क्या करता है, आपकी जो गिवन स्ट्रिंग होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स में डिवाइड कर देता है। बट कैर एट को हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स देना पड़ता है। अगर मैं उसको मान लो सपोज इंडेक्स देता हूँ जीरो और देन प्रिंट करके देखता हूँ, तो देखिए तो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, सपोज ओके मेरी मिस्टेक है, नाइन नहीं आ गई, अगेन अभी मिस्टेक दे रहा है, हम चेक कर लेते हैं। सो ये मैंने करेक्ट हो गया। सो आप देख सकते हैं मेरा याकूब का वाई प्रिंट हो रहा है। अगर मैं याकूब का के प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे गिन काउंट करना होगा, ये मेरा जीरो इंडेक्स पे है, वन टू थ्री। सो मुझे यहाँ पर कैरेट थ्री देना होगा। सो आप देख सकते हैं मेरी वैल्यू क्या आ रही है, के। बट मुझे इस टाइम मुझे सिर्फ जीरो इंडेक्स चाहिए, तो मैं इसको जीरो करके सेव करता हूँ। अब मुझे कंडीशन लिखनी होगी कि इफ मेरा कैर एट जीरो पे वैल्यू जो वैल्यू आती है तो उसको प्रिंट कर दे गुड बाय, देन जो नेम है उस एरे का। सो मैं फटाफट से चेक करता हूँ, सो एक एरर है, सो फटाफट से मैं उस एरर को रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। सो फ्रेंड्स मैंने एरर रिमूव कर दिया, मैं आपको रिफ्रेश करके दिया था, देखिए मेरा जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है नेम जॉन, सपोज जॉन का जे है, स्मॉल जे है, कैपिटल जे है, वो गुड बाय के साथ हो रहा है। बट मेरा ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे अगर मेरा जॉन कोई वर्ड या जो भी नेम है वो जे से स्टार्ट कर दो, तो मुझे अनदर प्रिंट करना होगा हेलो। तो मैं एल्स पार्ट लिखूंगा, अगर इफ नहीं चलता तो ये एल्स चलेगा, देन उसके अंदर प्रिंट करेंगे हम हेलो, देन कॉन्केटिनेट करेंगे हम उस नेम के एरे के एलिमेंट को। सो ये मेरा पार्ट डन हो गया। सो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ गया है। अगर याकूब वाई से स्टार्ट होता है तो उसका हेलो आ रहा है, जॉन जे से स्टार्ट होता है उसका गुड बाय आ रहा है, जो भी जे से स्टार्ट होगा। सो ये मेरा टास्क था, हमने कोड प्रॉपरली डन कर लिया है। सो अब इस टास्क को हमें सबमिट कैसे करना है, तो उसको सबमिट करने के लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम है गिटहब डेस्कटॉप। गिटहब पे होस्ट करना पड़ेगा आपको इसको। गिटहब डेस्कटॉप पे जाएंगे आप, गिटहब डेस्कटॉप से गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं।
आप मैक यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज़। सपोज़ यहाँ मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप मैक यूज़ करें तो आप मैक के लिए करें। मैंने विंडोज़ 10 के लिए कर रखा है ऑलरेडी इंस्टॉल, सो जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको फटाफट से ओपन करता हूँ अपने गिट डेस्कटॉप को। मैं जाता हूँ गिट डेस्कटॉप को सर्च किया, देन अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये न्यू फोल्डर है इसका रीनेम कर सकते हैं आप। इसको आप इसको रीनेम करके लिख सकते हैं असाइनमेंट 4, देन इसको सेव कर सकते हैं। ये मेरा गिट डेस्कटॉप हो गया। देन आपको क्या करना है, इस फोल्डर को कॉपी करना है, यहाँ से अपने दिस पीसी में जाना है। और आपको मैक में अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपनी जहाँ पे भी आपकी गिटहब का डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पर मेरा एक गिटहब का फोल्डर है, मुझे गिटहब फोल्डर में जाना है। देन मेरा जो गिटहब अकाउंट है वो है, साइड बाय साइड मैं आपको दिखाता हूँ मेरा गिटहब अकाउंट। आपको गिटहब अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता गिटहब अकाउंट कैसे बनता है तो आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि गिटहब अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे उसको सेटअप करें। ये मेरी डायरेक्टरी है, मैं इस डायरेक्टरी में उस फाइल को अपलोड करूंगा ताकि मैं मेरे index.html को होस्ट कर सकूं। मैं उस फोल्डर को यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देता हूँ असाइनमेंट 4 को। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो आप देखिए मेरी ऑटोमेटिकली दोनों फाइल script.js असाइनमेंट 4 की फोल्डर की और index.html इसके अंदर अपडेट हो जाते हैं। तो मुझे समरी देनी होगी, सपोज आप दे सकते हैं अपडेट या कुछ भी लिख सकते हैं एज पर आपकी रिक्वायरमेंट। देन कमिट टू मास्टर करना है आपको, देन आपको पुश टू ओरिजिन करना है। देन वेट कीजिए जब तक ये इसको अपलोड कर रहा है। ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट 4 नाम से फोल्डर नहीं है, तो आपको जस्ट इसको रिफ्रेश करना है। देखिए मेरा असाइनमेंट 4 आ गया है यहाँ पर। इस असाइनमेंट 4 पे क्लिक कीजिए, देन ये पाथ, आप ये पाथ कॉपी कीजिए कंट्रोल सी। देन अगर आप इस पाथ को डालेंगे, अभी मेरा पेज सपोज नॉट फाउंड दिखा रहा है, ये इश्यू करेक्ट हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ क्या इशू है। आप index.html तक का पाथ कॉपी कर लीजिए, अगर ऐसा कई बार होता है। मेरा index.html होस्ट हो गया। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन आपको इंस्पेक्ट करना है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट करेंगे देन कंसोल पे जाना है। मेरा सपोज पूरा ऑप्शन आ रहा है बट यहाँ पर एक एरर भी आ रहा है। बस आपको ये पाथ कॉपी करना है और अपने असाइनमेंट के माई सबमिशन में जाकर इधर अपना यूआरएल को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपको एट लीस्ट 3 असाइनमेंट्स को रिव्यू करना होगा। आप किसी के रिव्यू करिए और आप किसी करें तो आप इस यूआरएल के थ्रू चेक कर सकते हैं क्या उसका आउटपुट करेक्ट है या नहीं है। आप यहाँ पर स्टार्ट रिव्यू में क्लिक करेंगे। मेरे सामने एक पर्सन की आई है, उनका मॉड्यूल 4 का सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, हेलो गुड बाय, क्या परफेक्टली लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। आप इनके लिंक पर क्लिक कीजिए। आप इसको इंटरेक्टिव कर सकते हैं जैसे इन्होंने कर रखा है। आप कैसे करेंगे इसको इंटरेक्टिव वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इनका राइट क्लिक कीजिए, देन आप इंस्पेक्ट पे जाइए, देन कंसोल डॉट लॉग पे देख सकते हैं इनका आउटपुट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इनका टास्क 100% डन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ इनपुट लिखें तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। आपको पहले अपलोड करने से पहले अपने असाइनमेंट 4 फोल्डर में आना होगा। फिर index.html को सबलाइन में ओपन कीजिए। मैं आपको इस टास्क को कैसे इसकी तरह बनाना है वो बताऊंगा। फटाफट से मैं इसको बंद कर देता हूँ। इस टाइप को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉडी टैग में आना होगा। बॉडी टैग में हमें HTML में थोड़ी सी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी। उसके लिए हम लिखेंगे, आप कोई भी हेडर यूज़ कर सकते हैं। H1 में इधर H1 यूज़ कर रहा हूँ और ये टेक्स्ट है। सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, देन पेस्ट, देन सॉल्यूशन एंड देन अनदर। आप इसके लिए H3 यूज़ कर सकते हैं।
देन आपको इसको अगर कलर करना है, जैसे उन्होंने कर रखा है, तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कीजिए, स्टाइल, देन यहाँ पर एट्रीब्यूट कलर, देन यहाँ पर उन्होंने जैसे कर रखा है, आप अगर हम ऑरेंज यूज करते हैं, ऑरेंज, देन हम अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरा वो ऑरेंज हो गया है। देन अगर आपको बैकग्राउंड को भी कलर देना है तो आप बॉडी में आ सकते हैं, बॉडी में आप बॉडी में आप लिख सकते हैं बॉडी बीजी कलर, कलर को आप जैसे मैंने ग्रीन दे रखा है, हम यहाँ पर येलो दे देते हैं, येलो, तो आप देखेंगे हमारा भी आ गया आउटपुट। और अगर आप इसको थोड़ा और क्लिक क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप इसको भी कलर दे सकते हैं, बाय स्टाइल एट्रीब्यूट, देन कलर, देन कुछ भी कलर आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सपोज मैं इधर रेड दे देता हूँ, रेड, देन अगेन रिफ्रेश करते हैं। सो ये आउटपुट है, इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो हमारा आउटपुट का कोड की वैल्यू आ रही है कंसोल पे जाके। सो हमारा टास्क प्रॉपरली डन है। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमें बताइए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस टाइप के और ट्यूटोरियल चाहिए ताकि हम ऐसे ट्यूटोरियल ला सकें, और हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसा ऐसा कंटेंट आपके लिए डेली लाएं। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।